हेलो डेप्टी डायरेक्टर एक्सप्रियस वेलकम बैक टू एग्जाम में डी जी गाइज टूडे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ़ डेप्टी डायरेक्टर और उसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कि आपका पहला ही इफ़ यू सी दिलेबस दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ पार्ट बी राइट इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट तो आज हम लोग इस पर देखेंगे जो इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उसका है उसका लेवल क्या है वी विल एनालाइज की क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किस तरह से पूछा जा सकता है गाइज सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं या फिर जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं गाइज देन वी हैव लॉन्च द टेस्ट सीरीज फॉर डेप्टी डायरेक्टर बहुत सारे एक्सप्रिय दे हैव ऑलरेडी ज्वाइन और वो टेस्ट दे भी रहे हैं एंड फीडबैक इज वेरी गुड तो यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है फिफ्टीन जिस है जिसमें पाँच सेक्शनल और फाइव फुल लेंथ टेस्ट है प्राइस थाउजेंड रुपीज़ है यू कैन परचेज फॉर एनी फर्दर इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट सिक्स थ्री एट फाइव एट जीरो थ्री थ्री सेवन सिक्स उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ये मेल आ, आई डी है एग्जाम में डी एट वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन अवश्य कर लीजिए आई विल गिव द यू नो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम दे दूंगा बिकॉज मोर देन सिक्स हंड्रेड डेप्टी डायरेक्टर के एस्पिरंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं एवरी डे विल गेट फ्री क्विजे गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो देर इज अ प्ले लिस्ट कॉल्ड डेप्टी डायरेक्टर इसी चैनल uh, पर है राइट तो मैं वैसे एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट यू नो लेक्चर्स है तो आप जरूर उसको जाकर विजिट कीजिए सो लेट्स स्टार्ट गाइज इज द फर्स्ट क्वेश्चन आ इनटू लास्ट जो एग्जाम हुआ था ये 2012 में हुआ था राइट right? और उस समय जो क्वेश्चन आया था उसके उसको आप देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन था मतलब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ एन एम्प्लॉय आर इमोशनल क्रिएटिव इनवायरमेंटल सेकेंड ऑप्शन है गाइस इंटेंशनल रिएक्टिव एडजस्टेबल तीसरा है एक्टिव बिहेवियरल और एडजस्टेबल चौथा जो ऑप्शन है गाइस कॉग्निटिव अफेक्टिव और बिहेवियरल राइट right? तो so, इसका आंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा गाइस ये ओबी uh, से है गाइज और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से ये क्वेश्चन लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप फ्रॉम मतलब नीचे से ऊपर की ओर इन द पिरामिड ऑफ नीड्स एज प्रपोज्ड इन मास्लो नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी गाइस यू नो आप यदि उसको पढ़ते हैं तो यहाँ जो एच पढ़ते हैं गैच तो इसमें एक मास्लो का जो नीड्स है थ्योरी है राइट मैं आपको एक इसका दिखा रहा हूँ सी दिस इज आई हैव दिस इमेज फ्रॉम इंटरनेट राइट तो ये जो जो है इसमें फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो सबसे पहले है. मतलब बॉटम में है जिसमें कि जो हम लोगों को यू नो लाइक एयर वाटर फूड ये सब क्या है ये सब डेली शेल्टर स्लीप ये सब क्लॉथिंग ये सब जो है का ये फिजियोलॉजिकल uh, नीड्स है तो ये जो सबसे नीचे है राइट right? इसके बाद सेफ्टी नीड्स है इसके बाद सोशल नीड्स जिसको कह सकते हैं जिसकी फ्रेंडशिप है या फिर फैमिली है जिसको लव बिलोंगिंग कह सकते हैं उसके बाद स्टीम और सबसे ऊपर में जो आते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब डिजायर टू बिकम द जैसे कि मैं कहता हूँ मै कॉन हूँ आई आई वॉन्ट टू रियलाइज एक्चुअलाइज माई सेल्फ राइट तो ये इस तरह का हैरार है तो इसको हम मैच करते हैं राइट right? तो सबसे पहले फिजियो फिजियोलॉजिकल नीड्स ये पहला हो जाएगा तो तीन यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है राइट इसके बाद जो सेकेंड जो था गए सेफ्टी नीड्स मतलब सिक्योरिटी नीड्स दूसरा हो जाएगा तो थ्री टू इसके बाद था जाहिर सी बात है जो हम लोगों को सोशल नीड्स चाहिए मतलब लव फ्रेंडशिप रिश्तेदारी यू नो फैमिली ये सब चाहिए तो ये पहला हो जाएगा राइट और इसके बाद जो है हम लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए ये पाँचवा हो जाएगा तो थ्री टू वन फाइव और फोर ये आंसर आपका डी हो जाएगा राइट ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैं कौन हूँ ये वही लोग पूछता है जो भरा पूरा इंसान होता है जिसके पास सब कुछ होता है राइट जो भूखे होता है उसको सबसे पहले फिजिकल जो फिजिकोलॉजिकल नीड्स निद, चाहिए राइट तो इसका आंसर हो जाएगा डी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हुच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट कवर्ड अंडर ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग गाइस ट्रेनिंग मेथड्स दो प्रकार का होता है एक तो ऑन द जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो कि और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड तो यदि आप उसको पढ़ेंगे राइट राइट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग तो उसमें uh, ये, ये दिया हुआ है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है राइट right? तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो आपको जैसे कि पता है जो आप जिस चीज मतलब कहने का मतलब ये हो गया जो आप वहां जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं राइट तो जिस काम के लिए और जिस पोजीशन के लिए आप हैं वहां जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इसका इसका ये आंसर आंसर हो 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 जाएगा इसका क्या हो जाएगा राइट क्या सी जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पर्पस ऑफ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन अब जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया राइट जब आप आ, आ, जब एच आर एम पढ़ेंगे तो उसमें एक इंडक्शन और ओरिएंटेशन आता है एम्प्लॉय ओरिएंटेशन तो इसमें ये कह रहा है जो प्राइमरी पर्पस कौन सा नहीं है तो लेट्स यदि यदि आप कोई कहीं जस्ट मैं आपको बहुत ही कॉमन भाषा में ये समझाना चाहूंगा जो इफ यू आर यू यू हैव न्यू जॉब राइट तो आपका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए आप आपको यू नो वहाँ के जो uh, जो uh, जो कंपनी है या फिर आप जहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हैं राइट right? तो सबसे पहले आपको द एम्प्लॉज शुड अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन इन अ ब्रॉड सेंस ऑफ कोर्स ये होना ही चाहिए दूसरा क्वेश्चन को सही से समझिएगा कह रहा है वो चीज इज नॉट अ प्राइमरी परपज राइट सेकेंड है एम्प्लॉय शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम जाहिर सी बात है ये भी है होना चाहिए तीसरा ऑप्शन है द एम्प्लॉय शुड बिकम स्किल्ड विद द सॉफ्टवेयर बींग यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन इसको थोड़ा सा आप पेंडिंग में रखिए तब तक नेक्स्ट है द एम्प्लॉय शुड बिगिन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द प्रेफरेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो ये भी सही है तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है जो इसका आंसर सी हो जाएगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीच एम एच आर मैनेजर ऑफ क्रिएटिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम राइट फॉर इनमें राइट तो ये ट्रेनिंग चैप्टर ही है जो कह रहा है जैसे कि आप मैनेजर है तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका जब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा तो जाहिर सी बात है जो आप सबसे पहले आप नीड एनालिसिस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंडक्ट अ नीड एनालिसिस ये इसका आंसर डी हो जाएगा राइट right? क्या हो जाएगा डी हो जाएगा नेक्स्ट है गाइस पायलट्स आर ट्रेंड ऑन द फ्लाइट सिमुलेटर फॉर सेफ्टी लर्निंग एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इज दिस राइट तो अगेन ये जितने भी यू you नो know, सबसे पहले ट्रेनिंग से दो क्वेश्चन आ गया है राइट जैसे कि ऊपर आपने देखा और ये देखा तो ये सारे जो है मेथड्स है ट्रेनिंग के ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड राइट तो ये वेस्टि वेस्टिब्यूअल ट्रेनिंग जो है इसका आंसर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ये ऑफ हाँ हाँ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है राइट तो इसका आंसर ए हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि आर हैज बीन असाइंड अ जॉब ऑफ डूइंग ओडी इंटरवेंशन इन अ कंपनी व्हेन सी पास आउट फ्रॉम बी स्कूल सी वाज टोल्ड टू यूज द कर्ट लेविन मॉडल फॉर सच इंटरवेंशन एज पर द मॉडल व्हिच स्टेज मस्ट अकर फर्स्ट सो दैट स्टार्ट ओडी इंटरवेंशन हुआ चेंज मैनेजमेंट एक चैप्टर आता है यही से ये क्वेश्चन है राइट right? तो उसका जो थियोरी जब आप कर्ट लेविन मॉडल को देखिएगा तो सबसे पहले क्या होता है अनफ्रीजिंग होता है राइट right? अनफ्रिजिंग फिर होता है चेंज प्रोसेस क्या होता है चेंज प्रोसेस अनफ्रीजिंग राइट फिर होता है चेंज प्रोसेस और फिर होता है रिफ्रीजिंग तो फर्स्ट जो स्टेप होगा क्या होगा अनफ्रीजिंग होगा राइट इसका आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट फंक्शन टेक ऑफ मोटिवेटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो ये सब मैनेजमेंट का फंक्शन है तो इसमें जो लीड कह रहा है जो अपने क्या हो जाएगा जैसे कि लीडिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड इन्फ्लुसिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव लीडिंग फोकसिंग पीपल सच एज इंडिविजुअल एम्प्लॉय Terms हाँ yes. तो ये ग्रुप्स uh, तो को एनालाइज करते हैं ऊपर से तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं राइट इफ इफ वी सी फ्रॉम बिगिनिंग देन क्वेश्चन आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट बट द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर गाइज तो दैट इज वो से आप uh, मैं तो आई कैन नॉट राइट नाउ यू नो कैन आई जस्ट आई विल ट्राई टू डू मेनी मोर थिंग्स फॉर दिस तो आने वाले समय में हम लोग और लेक्चर के साथ उपस्थित हो होंगे इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इफ़ यू वॉन्ट द टेस्ट हम लोग टेस्ट लॉन्च किए हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर बाई टेक केयर